तो तमाम चुनौतियों को पार करते हुए दर्शकों तक हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 23 फरवरी को चुनाव है और ऐसे में आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुन पाते हैं। पुलिस सेवा की नौकरी छोड़कर आए और सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह आज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज आखिरी दिन है, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, कोई कोर कसोर छूटेगी तो नहीं? नहीं, चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। यहाँ सरोजनी नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोट से चुनाव जिताएगी। पूर्ण सूट से बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया है तो कोई चुनौती तो नहीं सामने? कोई चुनौती नहीं, चुनौती समाजवादी पार्टी अपराधियों को चुनाव लड़ा रही है, सांप्रदायिक बातें कर रही है, जिन्ना को बताती है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानती है, सिमी के मुकदमे आती है, आतंकवादियों की रिहाई करना चाहती है। ये विचारधारा नहीं, जनता को पसंद नहीं है, जनता जानती है कि ये विचारधारा युवाओं के लिए ठीक नहीं है। राजेश्वर सिंह का साफ कहना है कि किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, चूंकि उस पार्टी का संबंध अपराधियों के साथ है, तमाम अपराधियों को संरक्षण जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो दिया जाता है। ऐसे में लोग यानी आम जनता ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वास्तविकता में कानून का राज रखती है। दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ टेट उत्तर प्रदेश। चुनाव प्रचार थम जाएगा, सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुन पाते हैं। पुलिस सेवा की नौकरी छोड़कर आए और सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह आज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज आखिरी दिन है, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, कोई कोर कसोर छूटेगी तो नहीं? नहीं, चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। यहाँ सरोजनी नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोट से चुनाव जिताएगी। पूर्ण सूट से बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया है तो कोई चुनौती तो नहीं सामने? कोई चुनौती नहीं, चुनौती समाजवादी पार्टी अपराधियों को चुनाव लड़ा रही है, सांप्रदायिक बातें कर रही है, जिन्ना को बताती है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानती है, सिमी के मुकदमे आती है, आतंकवादियों की रिहाई करना चाहती है। ये विचारधारा नहीं, जनता को पसंद नहीं है, जनता जानती है कि ये विचारधारा युवाओं के लिए ठीक नहीं है। राजेश्वर सिंह का साफ कहना है कि किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, चूंकि उस पार्टी का संबंध अपराधियों के साथ है, तमाम अपराधियों को संरक्षण जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो दिया जाता है। ऐसे में लोग यानी आम जनता ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वास्तविकता में कानून का राज रखती है। दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ टेट उत्तर प्रदेश। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज देर शाम वाराणसी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 5वें, 6वें और 7वें चरण के चुनाव के लिए रणनीति यहां पर तय की जाएगी। तो लगातार दिग्गजों की तरफ से प्रचार प्रसार जारी है और अब चौथे चरण के मतदान के बाद 5वें, 6वें और 7वें चरण को लेकर मंथन यहां पर वाराणसी में गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से पार्टी पदाधिकारियों के साथ किया जाएगा। और इसमें क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, जीत का मंत्र भी पार्टी पदाधिकारियों को वो देते नजर आएंगे। और उससे पहले तमाम चुनावी प्रचार जो है वो चौथे चरण के लिए भी गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर चुनावी सुर्खियों पर।